Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your EVS class and today we will read Environmental Studies looking around volume 3, class 5th, chapter number 15, blow hot, blow cold. Okay, blow hot, blow cold. Yani blow means behna, hot means garm, blow means behna, cold means thanda. तो मीन्स कि कभी ठंडा होना कभी गर्म होना, ठीक है। तो कई चीज़ें ऐसी होती है, हमें उसी हवा से, जो हवा बहती है उसी से हमें ठंड लगती है और उसी हवा से हमें गर्म लगता है। सो दैट इज़ ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। ओके, कभी गर्म हवा का बहना कभी ठंडी हवा का बहना, या उसी से ठंडा उसी से गर्म, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। ओके, देयर वॉच अ वुड कटर Everybody, every day in the morning, he used to go to the forest to cut wood. In the evening, he would sell the wood in the city. Okay, one day he went deep into the forest. It was a very cold winter. His fingers were becoming numb. Every now and then the woodcutter would put down his axe and bring his hands close to his mouth. Then he would blow hard on them to warm them. Okay, so there was a woodcutter. Woodcutter means students lakadhara, theek hai, woodcutter lakadhara. There was a woodcutter, ek lakadhara tha. Every day in the morning he used to go to the forest to cut wood. Okay, तो प्रतिदिन सुबह वह लकड़ी काटने जंगल में जाता था, ठीक है। तो एक लकड़हारा था, वह हर दिन जंगल में जाकर रोज लकड़ियाँ काटता था। इन द इवनिंग ही वुड सेल द वुड इन द सिटी। ओके, और फिर शाम को ही वुड सेल द वुड इन द सिटी, और शाम को वह शहर में जाकर अपनी लकड़ियों को क्या करता था, बेचता था। सेल मीन्स बेचना, ठीक है। तो एक लकड़हारा था जो जंगल में जाकर रोज लकड़ियाँ काटता और शहर में जाकर शाम को, इवनिंग शाम को उन्हें बेच देता था। वन डे, एक दिन, ही वेंट डीप इन टू द फॉरेस्ट। डीप मीन्स घना, बहुत गहरा। ओके, इन टू फॉरेस्ट, जंगल में। ओके, सो एक दिन वह जंगल में दूर तक चला गया, ठीक है। तो वह दूर जंगल के अंदर चला गया लकड़ी काटने के लिए। इट वॉज अ वेरी कोल्ड विंटर। ओके, कोल्ड विंटर मीन्स बहुत अधिक ठंड, ठीक है। तो जब वह जंगल दूर चला गया तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा था। इट वॉज अ वेरी कोल्ड विंटर। वह वहाँ पर बहुत ही ठंड सर्दियाँ थी। हिज फिंगर्स वर बिकमिंग नम्ब। ओके, नम्ब मीन्स होता है स्टूडेंट्स विदाउट फीलिंग, यानी सुन्न हो जाना, ठीक है। बिकमिंग मीन्स हो जाना, नम्ब मीन्स सुन्न, विदाउट फीलिंग, जब हमें कोई फील ही नहीं होता। तो कभी कभी आपने देखा होगा ठंडों में आपके हाथ और पाँव इतने नम्ब हो जाते हैं, इतने सुन्न हो जाते हैं कि आपको लगता ही नहीं कि मेरे हाथ और पाँव हैं और मेरी उंगलियाँ हिल पा रही हैं। ओके, फिंगर्स मीन्स अंगुलियाँ। हिज फिंगर्स वर बिकमिंग नम्ब। उनकी जो अंगुलियाँ थी वह सुन्न हो गई थी, ठीक है। वो लकड़हारा जब जंगल में लकड़ी काटने गया और बहुत दूर तक चला गया, वहाँ पर बहुत अधिक ठंड थी और उसकी अंगुलियाँ सुन्न हो गई थी। ओके, एवरी नाउ एंड देन द वुड कटर वुड पुट डाउन हिज एक्स एंड ब्रिंग हिज हैंड्स क्लोज टू हिज माउथ। ओके, एवरी नाउ, प्रत्येक दिन, एंड देन, हर समय और तब, द वुड कटर वुड पुट डाउन हिज एक्स, हर समय वो वुड कटर क्या कर रहा था, पुट डाउन हिज एक्स। पुट डाउन मीन्स नीचे रखना, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, ठीक है। तो हर समय थोड़ी थोड़ी देर बाद लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को नीचे रख देता एंड ब्रिंग हिज हैंड्स क्लोज टू हिज माउथ, और अपने हाथों को अपने मुँह के पास ले जाता, ठीक है। तो क्या कर रहा था, उसकी जब उंगलियां सुन्न होती जाती थी तो वह थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता नीचे और दोनों हाथों को मुंह के पास ले जाता।
ठीक है, देन ही वुड ब्लो हार्ड ऑन दैम टू वार्म दैम, ठीक है, और फिर मुँह के पास ले जाकर खूब जोर से अपने हाथों में फूंक मारता कि वह गर्म हो जाए, ठीक है, देन ही वुड ब्लो हार्ड, और फिर वह बहुत जोर से, ब्लो हार्ड मीन्स बहुत जोर से फूंक मारना, हवा मारना, हवा मारता अपने मुँह से फूंक मारता, दैम टू वार्म दैम, ताकि उसकी जो अंगुलियाँ हैं उसके हाथ जो हैं वो गर्म हो जाएँ. ओके, वाइल ही वॉच कटिंग वुड मियाँ बलिस्ते, ठीक है, सो वाइल ही वॉच कटिंग वुड मियाँ बलिस्ते वॉच वॉचिंग हिम फ्रॉम अ कॉर्नर, मियाँ बलिस्ते सॉ दैट द वुड कटर कैप्ट ब्लोविंग ऑन हिज हैंड्स, ही बिगिन टू वंडर वट ऑल दैट वॉच अबाउट, बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इट. He got up thinking that he would go and ask the woodcutter. After walking a little, he came back thinking that the woodcutter may not like being asked. Finally, Mian Baliste could not help himself. He went hopping to the woodcutter and said, "Hello, brother. If you don't mind, can I ask you something?" Okay. So while he was cutting wood, मियाँ बलिस्ते वॉच वॉचिंग हिम फ्रॉम अ कॉर्नर, जब ही वॉच कटिंग वुड, जब वह लकड़ी काट रहा था, मियाँ बलिस्ते वॉच वॉचिंग हिम फ्रॉम अ कॉर्नर, तो जो मियाँ बलिस्ते थे, वॉचिंग मीन्स देख रहे थे हिम उसको फ्रॉम अ कॉर्नर, एक कोने से. ओके, तो जब वह लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था, तो मियाँ बलिस्ते एक कोने से उनको देख रहे थे. ओके, मियाँ बलिस्ते सॉ दैट द वुड कटर कैप्ट ब्लोइंग इन हिज हैंड्स, ठीक है, तो मियाँ बलिस्ते ने देखा कि वह बार बार वह लकड़हारा अपने हाथों में हवा दे रहा था, ठीक है, अपने हाथों में फूंक रहा था. ही बिगेन टू वंडर, वंडर मीन्स आश्चर्यचकित, ओके, वंडर मीन्स आश्चर्यचकित, तो वह हैरान था, आश्चर्यचकित था, वट ऑल दैट वॉज अबाउट, कि यह क्या हो रहा है, यह क्या बात हो रही है, बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, लेकिन वह समझ नहीं सका. ही गॉट अप थिंकिंग दैट ही वुड गो एंड आस्क द वुड कटर, ही गॉट अप थिंकिंग, वह सोचने लगा कि ही वुड गो, कि वह जाएगा एंड आस्क द वुड कटर, और आस्क करेगा वुड कटर से, ठीक है, आस्क मीन्स पूछना, वुड कटर लकड़हारा, तो वह सोच रहा था कि अब वह उसके पास जाए और लकड़हारे से इसके बारे में पूछे. आफ्टर वॉकिंग अ लिटिल, वॉकिंग मीन्स चलना, आफ्टर मीन्स बाद में, लिटिल मीन्स थोड़ा, थोड़ा चलने के बाद ही केम बैक थिंकिंग दैट द वुड कटर मे नॉट बी बींग आस्ड, ठीक है, थोड़ा उठने के बाद वह कुछ देर चलकर फिर लौट आए कि मालूम नहीं यह आदमी बुरा माने या ना माने, वह ऐसा पूछने पर उस आदमी को बुरा तो नहीं लगेगा, तो ऐसा मियाँ बलिस्ते सोचने लगे. ठीक है, आफ्टर वॉकिंग अ लिटिल ही केम बैक, थोड़ा उठने के बाद चलने के बाद ही केम बैक, वह वापस आ जाता, थिंकिंग, यह सोचता, दैट द वुड कटर मे नॉट लाइक बीइंग आस्क्ड, कि शायद लकड़हारे को यह पूछना पसंद ना आए. फाइनली मियाँ बलिस्ते कुड नॉट हेल्प हिमसेल्फ, और मियाँ बलिस्ते इस बार अपनी मदद नहीं कर सके, नहीं पूछ पाए. ही वेंट, वह चले गए हॉपिंग टू द वुड कटर एंड सैड, ठीक है, वह चले गए हॉपिंग, हॉपिंग मीन्स ठुमक ठुमक कर, ठीक है, ठुमक ठुमक कर जाना, मटक मटक कर जाना, तो वह हॉपिंग, हॉपिंग मीन्स मटक कर जाना, या फिर हॉपिंग मीन्स होता है कूद कूद के जाना, ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि वह ठुमक ठुमक कर चले गए लकड़हारे के पास एंड सैड, और कहा, ठीक है, हेलो ब्रदर, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क समथिंग, तो हेलो भाई, अरे भाई, बुरा न मानो तो आपसे एक बात पूछें. ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग. तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, जब लकड़हारा बहुत सर्दी की ठंड में घने जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट रहा था, तो एक कोने से जंगल में मियाँ बलिस्ते उसको लकड़ी काटते हुए देख रहे थे. तो मियाँ बलिस्ते ने जब उन्हें देखा कि वह बार बार हाथ में कुछ फूंकता है, हवा देता है, तो वे सोचने लगे कि यह क्या बात है. ओके, मगर कुछ समझ में न आया, तो वे अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए कि न मालूम कहीं
नहीं, पूछने से यह आदमी बुरा तो नहीं मानेगा। ओके, मगर फिर मियाँ बलिश्ते से रहा नहीं गया और वे हॉपिंग करते हुए मीन्स छलांग मारते हुए या ठुमकते हुए कूदते हुए लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, अरे भाई बुरा ना मानो, ठीक है, हेलो हेलो ब्रदर, हाय भाई, या सलाम भाई, या सुनो भाई, बुरा ना मानो तो एक बात आपसे पूछे। ओके, सीइंग दिस टाइनी पर्सन द वुड कटर वॉच अमेज्ड एंड अम्यूज्ड, बट ही डिड हिज स्माइल एंड सैड, ऑफ कोर्स आस्क व्हाट यू वॉन्ट टू, ऑल आई वॉन्ट टू आस्क इज वाई डू यू ब्लो फ्रॉम योअर माउथ ऑन टू योअर हैंड्स, सैड मियाँ बलिस्ते। ओके, सीइंग दिस टाइनी पर्सन, ओके टाइनी मीन्स बहुत छोटा, तो बहुत छोटे आदमी को देखकर द वुड कटर वॉच अमेज्ड, तो जो वुड कटर थे, अमेज्ड मीन्स वंडर यानी आश्चर्य, ठीक है, इस छोटे से व्यक्ति को देखकर जो वुड कटर थे, जो लकड़हारे थे, वो अमेज्ड हो गए, ठीक है, वो आश्चर्यचकित हो गए एंड अम्यूज्ड। ओके, अम्यूज मीन्स वे मेक टाइम पास प्लीजेंटली, वे अपना मन बहलाने लगे और खुश हो गए। बट ही डिड हिज स्माइल, लेकिन बट ही हाइड हिज स्माइल, लेकिन उन्होंने अपनी हंसी को छुपाया, हाइड मीन्स छुपाना, एंड सैड, और कहा, ऑफ कोर्स बिल्कुल बिल्कुल, आस्क व्हाट यू वांट टू, पूछो तुम जो चाहते हो, ऑल आई वांट टू आस्क इज व्हाई डू यू ब्लो फ्रॉम योर माउथ ऑन टू योर हैंड्स, सैड मियाँ बलिस्ते। तो मियाँ बलिस्ते ने पूछा कि मैं बस यह पूछता हूँ कि आप मुंह से हाथ पर फूंक क्यों मारते हो, ठीक है, आप मुंह से आप अपने मुंह से अपने हाथों पर बार बार हवा क्यों देते हो, मीन्स कि फूंक क्यों मारते हो। ओके, तो क्या हुआ, जब लकड़हारे को यह छोटा सा आदमी पूछने आया, तो लकड़हारे ने इस छोटे से आदमी को देखकर हैरान हुआ और हंसी भी आई, मगर उसने अपनी हंसी को छुपाकर, हंसी को रोककर कहा, हाँ हाँ भाई, पूछो, जरूर पूछो। ओके, तो मियाँ बलिस्ते ने कहा, मैं बस यह पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथ पर फूंक क्यों मारते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, द वुड कटर रिप्लाइड, ओके द वुड कटर रिप्लाइड, इट इज़ टू कोल्ड, माई हैंड्स आर फ्रोजन, सो आई ब्लो ऑन देम टू वॉर्म देम अप अ लिटिल, देन वेन दे गेट ओल्ड अगेन आई वॉर्म देम अगेन बाई ब्लोविंग। ओके, द वुड कटर रिप्लाइड, वुड कटर मीन्स लकड़हारा, तब लकड़हारे ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया, इट इज़ टू कोल्ड, बहुत ठंडा हो रहा है, माई हैंड्स आर फ्रोजन, ओके, फ्रोजन मीन्स जमना, मेरे हाथ जम गए हैं। ओके, सो आई ब्लो ऑन देम टू वॉर्म देम अप अ लिटिल, सो मीन्स इसलिए, आई मीन्स मैं, ब्लो मीन्स हवा दे रहा हूँ, ऑन देम इसलिए मैं हवा दे रहा हूँ, फूक रहा हूँ, टू वॉर्म देम अप अ लिटिल, कि वे थोड़ा सा गर्म हो जाए, वॉर्म मीन्स गर्म, ठीक है। तो लकड़हारे ने उत्तर दिया कि बहुत अधिक ठंड है और मेरे हाथ फ्रोजन मीन्स जम जाना, ठीक है, मेरे हाथ जम गए हैं, इसलिए मैं अपने हाथों को फूक कर उन्हें थोड़ा सा गर्म कर रहा हूँ। देन वेन दे गेट कोल्ड अगेन, और जब वे फिर से ठंडे हो जाते हैं, अगेन आई वॉर्म देम अगेन बाई ब्लोविंग, और फिर मैं अपने हाथों को फूक कर या हवा देकर गर्म कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी जब सर्दियों में बहुत अधिक ठंड लगती है, या जब आप लोग बर्फ़ में खेलते हैं, तो आपके हाथ भी नम हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में आप लोग अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं और फूक मार के अपने हाथों को गर्म करते हैं। तो ऐसा ही वुड कटर कर रहा था। ओके, तो ये सारी चीजें लकड़हारे ने मियाँ बलिस्ते, जो कि एक टाइनी पीपल था, टाइनी व्यक्ति था, उसको बताया। ओके, मियाँ बलिस्ते नोडेड, ओके मियाँ बलिस्ते ने नोडेड मीन्स सिर हिलाना और समझना, ठीक है, तो मियाँ बलिस्ते ने सिर हिलाया, ओ हो, सो दैट्स इट, तो मियाँ बलिस्ते ने कहा, आहा, अच्छा यह बात है। ओके, एंड विथ दैट ही मूव्ड ऑफ, और फिर वह वहाँ से मूव्ड ऑफ चला गया, बट ही स्टेड नियर बाई एंड कैप्ट
क्लोज वॉच ऑन हिम, लेकिन वह वहाँ से चला तो गया। लेकिन यह कहकर बलिश्ते मियाँ वहाँ से गए, मगर रहे वहीं पर आसपास उनको देखने के लिए। मगर वह एक कोने पर जाकर उनको फिर से वॉच करने लगे, फिर से देखने लगे। सून इट वॉच आफ्टरनून, ओके, द वुड कटर बिगेन टू थिंक ऑफ लंच। ही पिक्ड अप टू स्टोन्स एंड मेड अ चूल्हा। He light a fire and put a small handy pot filled with potatoes to boil. Okay, the wood was damp, so the woodcutter bent down and blew on the fire to help it burn. Baliste was watching him from a distance. Array, he said him to himself. There he goes again, blowing from his mouth. Does fire come out of his mouth? Okay. Soon it was afternoon. ठीक है, तो soon means जल्दी, it was afternoon, जल्दी ही दोपहर का वक्त आ गया था। The woodcutter began to think. To think of lunch, okay, तो जो वुड करता था, लकड़हारा था, बिगिन में सोचना, to think, सोचना उसने शुरू कर दिया, बिगिन में शुरू करना, to think, सोचना, तो उसने लंच के बारे में सोचना शुरू करा। He picked up two stones and made a चूल्हा। फिर उसने क्या किया, He picked up means उठाया, okay, उठाना, two stones, दो पत्थर, और चूल्हा बनाया, made means बनाना। तो जब लकड़हारे ने लंच के लिए सोचा, दोपहर के भोजन के लिए सोचा, तो उसने दो पत्थर उठाए और चूल्हा बनाया, ओके। He light a fire and put a small handi filled with potatoes to boil. फिर उसने क्या किया, उसने वहाँ पर light fire, उसने fire means आग, light means जलाना, उसने आग जलाई, and put means रखा, small handi मतलब एक छोटा सा बर्तन, ठीक है, handi किसे बोलते हैं, एक बर्तन को बोलते हैं, filled with potatoes to boil, और उसने boil means उबालना, आलू को उबालने के लिए उसमें एक छोटी सी handi रख दी, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने ये आग जलाई, दो पत्थर उठाकर चूल्हा बनाया, आग जलाई और उसमें आलू रख दिए एक हांडी में, एक बर्तन में, ठीक है। हांडी किसे बोलते हैं स्टूडेंट्स, एक बड़ा सा बर्तन होता है, मोस्टली ये मिट्टी का भी हो सकता है, ओके। द वुड वॉच डैम्प, सो द वुड कटर बेंट डाउन एंड ब्लू ऑन द फायर टू हेल्प इट बर्न, ओके। डैम्प मीन्स वेट, वेट यानी गीला, ठीक है। तो लकड़ियाँ, वुड मीन्स लकड़ियाँ गीली थी, डैम्प मीन्स गीली थी, सो द वुड कटर बेंट डाउन, तो बेंट डाउन मीन्स नीचे झुक जाना, इसलिए लकड़हारा झुक रहा था, ठीक है, नीचे वह झुक गया, एंड ब्लू ऑन द फायर टू हेल्प इट बर्न, और फिर से आग जलाने के लिए झुककर हवा देने लगा, ताकि हवा देकर आग तेजी से जल जाए। तो हम भी करते हैं ना, जब हमें आग जलानी होती है और आग बुझ जाती है, तो हम फिर से फूंक मारकर आग को जलाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे ही लकड़हारा ने भी किया, ओके। बालिस्ते वॉच वॉचिंग हिम फ्रॉम अ डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स एक दूरी से, वॉचिंग मीन्स देख रहा था, बालिस्ते एक दूरी से उसको यह करते हुए देख रहा था। अरे ही सेड टू हिमसेल्फ, तो उस मियाँ बालिस्ते ने खुद से कहा कि अरे देयर ही गोज अगेन ब्लोइंग फ्रॉम हिज माउथ, अरे यह तो फिर से अपने मुंह से हवा देने लगा है। डस फायर कम आउट ऑफ हिज माउथ, क्या यह आग इसके मुंह से आ रही है, क्या ये जो आग जल रही है, क्या ये इसके मुंह से निकल रही है, जो यह इसको गर्म कर रहा है, ओके। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, दोपहर का वक्त हुआ, लकड़हारे को खाने की फिक्र हुई, तो इधर उधर से उसने दो पत्थर उठाकर चूल्हा बनाया और आग सुलगा कर या आग को जलाकर उसे चूल्हे पर रख दिया, ठीक है, आग को चूल्हे पर, आग जलाई और चूल्हे पर आलू रख दिए। अब स्टूडेंट्स जो वुड थी वॉच डैम्प, लकड़ी क्या थी, गीली थी, तो इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती थी, तो लकड़हारा मुँह से फूक कर आग को तेज जलाता था, ठीक है। तो ये सब चीज़ बलिस्ते देख रहा था, तो बलिस्ते ने अपने आप में कहा कि अरे अब यह फिर हवा दे रहा है, फिर यह फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है। वेरी इंटरेस्टिंग, ओके, वेरी फनी स्टूडेंट्स। द वुड कटर वॉच फीलिंग वेरी हंग्री, ओके, तो जो लकड़हारा था, फीलिंग वेरी हंग्री, बहुत भूखा था, ओके।
ही टुक आउट अ पोटैटो फ्रॉम द हांडी. तो लकड़हारे को बहुत अधिक भूख लगी थी तो उसने हांडी से बर्तन से टुक आउट मीन्स बाहर निकाले आलू. जो आलू उसने बॉयल करने को रखे थे तो उसने हांडी से वे आलू बाहर निकाले. ही ट्राइड टू ईट इट बट पोटैटो वॉज टू हॉट. ओके, ही ट्राइड मीन्स कोशिश करी टू ईट खाने की इसे बट द पोटैटो वॉज टू हॉट लेकिन आलू बहुत गर्म थे. ओके, ही अगेन बिगेन टू ब्लो ऑन इट फू और फिर से उसने ब्लो मतलब हवा मारना या फूंक मारना उसने फिर से शुरू कर दिया, जैसे फू करके. जैसे हम देखते हैं कि जब हम कुछ खाते हैं स्टूडेंट्स, जब आप गरम गरम मैगी खाते हो, नूडल्स खाते हो या कोई भी गरम खाना खाते हो, गरम दूध पीते हो, तो आप अपने आप ही अपने मुँह से उसे फू करके ठंडा करते हो. तो ऐसे ही लकड़हारे ने किया. ठीक है, तो वह उसे भूख लगी थी, वह आलू जल्दी खाने की सोचने लगा लेकिन आलू बहुत गर्म थे तो फिर वे आलूओं को फू करके ठंडा करने लगा. ओके, अरे सैड बलिस्ते टू हिमसेल्फ. ओके, ही इज ब्लोइंग अगेन व नाउ व्हाट ही इज ही गोइंग टू बर्न द पोटैटो. After blowing a few more foo-foos on it, the woodcutter put it in his mouth and began to eat it. Okay, तो अरे said बलिस्ते to himself. फिर बलिस्ते ये सब चीज़ें एक कोने से चुपचाप से देख रहा था तो बलिस्ते ने फिर अपने आप से कहा अरे he is blowing again. या तो फिर से फूंक मारने लगा है. Now what? अब क्या? Is he going to burn the potato? क्या अब यह आलू को जलाने जा रहा है, गरम कर अब बर्न करने जा रहा है. ठीक है, तो उसको लगा कि अरे बलिस्ते ने कहा कि यह फिर फूंकता है, क्या इस आलू को फूंक कर यह जला देगा. ठीक है, क्योंकि वो उससे पहले लकड़ी को फूंक मार के जला रहा था तो बलिस्ते ने सोचा कि अब ये आलू को क्या फिर से जला रहा है फूंक मार कर. आफ्टर ब्लोइंग अ फ्यू मोर फूफूज और कुछ देर तक उसने फूफूज किया, फूफू करके हवा मारी ऑन इट उन आलुओं में. द वुड कटर पुट इन हिज माउथ और फिर वुड कटर ने इस आलू को अपने मुँह में रखा एंड बिगिन टू ईट इट और इसे फिर से खाना शुरू कर दिया. ठीक है, तो फिर से बलिस्ते ने देखा कि ये तो अब फिर से आलू को पकड़कर फूफू कर रहा है तो क्या अब ये आलू को जलाएगा. आफ्टर ब्लोइंग अ फ्यू मोर फूफूज और बहुत देर तक फूफू करने के बाद बारिश ने देखा कि वुड कटर ने इन आलुओं को अपने मुंह में रखा और खाना शुरू कर दिया क्योंकि फूफू करके वे आलू क्या हो गए थे, ठंडे हो गए थे. ओके, Now Mia was very surprised. He just could not stop himself and off he went hopping to the woodcutter. Hello brother, he said, if you don't mind, can I ask you a question again? Now Mia was very surprised. ठीक है, अब जो मियाँ बलिस्ते थे वह यह सब देखकर फिर से बहुत हैरान हो गए, surprised हो गए. Okay? तो ही जस्ट कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ, वे फिर अपने आप को नहीं रोक सके एंड ऑफ ही और वे चले गए. ही वेंट हॉपिंग टू द वुड कटर, हॉपिंग मतलब कूदते हुए, वे फिर से लकड़हारे के पास मटकते हुए या कूदते हुए चले गए. हेलो ब्रदर और उन्होंने लकड़हारे से कहा हेलो ब्रदर, अरे भाई. हेलो भाई ही सैड, उसने कहा इफ़ यू डोंट माइंड, यदि आप बुरा ना मानो, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन अगेन, मैं फिर से क्या एक प्रश्न आपसे पूछ सकता हूँ. ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, फिर से मियाँ बलिस्ते नहीं रह पाए और उन्होंने फिर वह ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गए और कहा भाई बुरा ना मानो तो मैं आपसे फिर से एक बात पूछूं. द वुड कटर रिप्लाइड, लकड़हारे ने उत्तर दिया नॉट एट ऑल, आस्क वट एवर यू वॉन्ट, मैं बुरा क्यों मानूंगा, मैं बुरा नहीं मानूंगा, पूछो तुम जो पूछना चाहते हो. ओके, मियाँ बलिस्ते सैड, तो मियाँ बलिस्ते ने कहा दिस मॉर्निंग यू टोल्ड मी दैट यू ब्लू ऑन योर हैंड्स टू वार्म देम अप, नाउ यू आर ब्लोइंग टू दिस पोटैटो. ओके, ऑन दिस पोटैटो विच इज ऑलरेडी सो हॉट, वाई डू यू वॉन्ट टू मेक इट हॉटर. ओके, तो मियाँ बलिस्ते ने कहा दिस मॉर्निंग यू टोल्ड मी, आज सुबह तुमने मुझे कहा, तुमने मुझे बताया, टोल्ड मीन्स बताना, तुमने मुझे कहा या तुमने मुझे बताया दैट यू ब्लू ऑन यूर हैंड्स टू वार्म देम अप. ओके, कि
मुंह से फूंककर तुम अपने हाथों को गर्म करते हो, ओके, दैट यू ब्लू ऑन योर हैंड्स टू वार्म देम अप. तुम अपने हाथों में फूंककर अपने हाथों को गर्म करते हो. नाउ यू आर बॉइलिंग ऑन दिस पोटैटो. तो क्या अब आप इन आलू को फूंक और आप अब इस आलू को क्यों फूंक रहे थे, विच इज़ ऑलरेडी सो हॉट, जो कि पहले से ही बहुत गर्म है. वाई डू यू वॉन्ट टू मेक इट हॉटर, तो तुम इसको क्यों गर्म कर रहे हो, इसको गर्म करने से क्या फ़ायदा कि ये तो पहले से ही गर्म है. तो वे कहते हैं, नो नो माई लिटिल फ्रेंड, दिस पोटैटो इज टू हॉट, आई एम ब्लोइंग ऑन इट टू कूल इट डाउन. ओके, तो फिर लकड़हारा कहता है, नो नो नहीं नहीं मेरे छोटे से दोस्त, दिस पोटैटो इज टू हॉट, यह आलू बहुत गर्म है, आई एम ब्लोइंग ऑन इट टू कूल इट डाउन, मैं इसमें इसे फूंक रहा हूँ इसे ठंडा करने के लिए. ओके, When he heard this, Mia Baliste's face became white. Okay, he began to tremble with fear and started to back away. Okay, तो स्टूडेंट्स जब उसने मियाँ बलिस्ते ने लकड़हारे की बात सुनी कि सुबह तो ये अपने हाथों को गर्म करने के लिए फूंक रहा था और अब ये आलू को ठंडे करने के लिए फूंक रहा है, तो व्हेन ही हर्ड दिस, जब उसने यह सुना, मियाँ बलिस्तेज फेस बिकेम वाइट, मियाँ बलिस्ते का चेहरा सफ़ेद हो गया. ही बिगेन टू ट्रैम्बल विथ फेयर, ट्रैम्बल मीन्स होता है स्टूडेंट शेक, ओके, यानी कांपना, क्वेयर. ओके, तो मियाँ बलिस्ते कांपने लग गए विथ फेयर यानी डर से, एंड स्टार्टेड टू बैक अवे, ओके, और फिर पीछे को जाना उन्होंने शुरू कर दिया. द वुड कटर वॉच अ गुड मैन, ही सैड, वट्स रॉन्ग मिया, आर यू ट्रैम्बलिंग बिकॉज ऑफ द कोल्ड. तो वुड कटर वॉच अ गुड मैन, लकड़हारा एक अच्छा आदमी था, ही सैड, उसने कहा, वट्स रॉन्ग मिया, मिया क्या हो गया, क्या गलत हुआ, आर यू ट्रैम्बलिंग, क्या तुम ट्रैम्बलिंग मीन्स कांप रहे हो, बिकॉज ऑफ द कोल्ड, क्या आप ठंड से कांप रहे हो. बट मिया बलिस्ते कैप्ट गोइंग बैकवर्ड्स, लेकिन मियाँ बलिस्ते पीछे को जाने लगे. वेन ही वॉच अ सेफ डिस्टेंस अवे, ही सैड टू हिमसेल्फ, वट काइंड ऑफ अ क्रिएचर इज दिस, श्योरली ही मस्ट बी अ घोस्ट और अ जिन, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड विद द सेम ब्रैथ, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल. ओके, तो मियाँ बलिस्ते पीछे की ओर को जाने लगे, और व्हेन ही वॉच अ सेफ डिस्टेंस अवे, जब वे दूर जाकर एक सुरक्षित दूरी पर पहुंच गए, ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने मियाँ बलिस्ते ने खुद से कहा, व्हाट काइंड ऑफ अ क्रिएचर, क्रिएचर मीन्स प्राणी, जीव, जीवित प्राणी, कि यह कैसा जीवित प्राणी है. ओके, ओके, तो वे कहने लगे, मियाँ बल ही सेड टू हिमसेल्फ, मियाँ बलिस्ते ने खुद से कहा, व्हाट काइंड ऑफ अ क्रिएचर इज दिस, ये कैसा प्राणी है, किस प्रकार का ये जीव है, श्योरली ही मस्ट बी अ घोस्ट और अ जिन, ये जरूर या तो घोस्ट होगा, ठीक है, ये या तो भूत होगा, घोस्ट होगा, या जिन होगा, ठीक है, ये किस प्रकार का प्राणी है, ये तो जरूर ही क्या होगा, भूत या जिन होगा. ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, कभी ठंड ठंडी हवा फूंकता है, कभी गर्म हवा फूंकता है, विद द सेम ब्रेथ, एक ही सांस से. तो वे कहता है कि ये तो भूत या जिन्न है, उसी से ठंडा और उसी से गर्म, एक ही सांस से, एक ही हवा से, इससे ठंड हवा भी आती है और गर्म हवा भी आती है. इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल, या तो संभव नहीं है. दैट्स राइट, देयर आर समथिंग विच जस्ट कैन नॉट बी बट दे आर, हाँ यह सच है, ठीक है, यह सच है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं सोच सकते, वे जस्ट कांट भी, जो नहीं हो सकती, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बट दे आर, लेकिन वह होती हैं, ठीक है. तो वाकई में स्टूडेंट्स दैट इज़ राइट, यह सही है, देयर आर सम थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं वे जस्ट कैन नॉट भी, जो नहीं हो सकती, बट दे आर, लेकिन वे होती हैं. ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आपने देखा वुडकटर और मियाँ बलिस्ते, जो कि एक टाइनी मैन था, उसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, ठीक है, तो गर्म हवा और गर्म ठंडी हवा, गर्म हवा और ठंडी हवा के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट इनके साथ हुआ था. तो जैसे कि आपने पढ़ा, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि दैट्स इज राइट, ओके, यह सही है, देयर आर सम थिंग्स विच जस्ट कैन नॉट बी, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं
हो सकती, लेकिन फिर भी बट दे आर वो होती है। जैसे कि आपने भी देखा है स्टूडेंट्स, जब आपके हाथ बहुत अधिक ठंड हो जाती है आपके हाथों में, तो आप अपने मुंह से हवा देकर उन हाथों को गर्म करते हैं, अपनी उंगलियों को गर्म करते हैं, है ना। और जब कभी कोई गर्म चीज़ आपके पास खाने को पीने को मिलती है, चाय मिलती, कॉफ़ी मिलती है ना, या फिर आप कोई गर्म दूध पी रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, तो आप उसको, उसे अगर ठंडा करना होता है तो आप उसे फूंक फूंक करके ठंडा करते हैं। तो है ना वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स, है ना, बहुत ही सरप्राइजिंग थिंग्स है। सो स्टूडेंट्स, देयर आर सम थिंग्स विच जस्ट कैन नॉट बी, बट दे आर जाकिर हुसैन, ठीक है। तो जाकिर हुसैन ने इस चीज़ को लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ओके, सो टुडे क्लास इज ओवर स्टूडेंट्स, टुमारो आई विल बी बैक विथ सम क्वेश्चन अबाउट दिस स्टोरी ऑफ मियाँ बलिस्ते एंड वुड कटर। सो टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ, हैव अ नाइस डे।